आ गया और आई थिंक मेरे हिसाब से ये पहली बार है कि ये ट्रेन राइट टाइम जाएगी, क्योंकि हमेशा इस ट्रेन का एवरेज जो डिले टाइम है ऑलमोस्ट 4.5-5 घंटे लेट का है, और ये लास्ट ट्रेन जो यहाँ से दिल्ली से गई थी फ्राइडे को वो ऑलमोस्ट 12.5 घंटे लेट थी, बट ये ट्रेन बाय चांस आज राइट टाइम है। मेरी किस्मत अच्छी है जो मर्जी बोलूँ, क्योंकि मैं जब भी गया हूँ ट्रेन में तो हमेशा मुझे ट्रेन मैक्सिमम राइट टाइम ही मिलती है। मे बी वो ड्रॉप करने में थोड़ा 3-4 घंटे या मेरी कभी 6 घंटे भी लेट हो जाती है, बट हमेशा मेरी किस्मत ऐसी है कि बेटर टाइम ही पहुँचती है। तो आज तक मैं कभी ज़्यादा लेट हुआ नहीं, और मुझे बाई चांस लग रहा था कि ये जो ट्रेन है हमसफ़र एक्सप्रेस ये आज भी कम से कम 3-4 घंटा तो लेट होगी, बट आज पहली बार आई थिंक ये ट्रेन अप्रैल 2018 से चली थी और आज पहली बार राइट टाइम जाएगी ये ट्रेन। सो फ्रेंड्स, ट्रेन को ऑलमोस्ट अभी आधा घंटा हो चुका है और मैंने सोचा कि जब तक अभी आधा घंटा लेट हो ही चुकी है ट्रेन, अभी कुछ भरोसा तो है नहीं कि कब चलेगी कब नहीं चलेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको तब तक इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। बेसिकली ये जो ट्रेन है हमसफ़र एक्सप्रेस, ये आज से 2 साल पहले दिसंबर 2016 में पहली ट्रेन चली थी आनंद विहार से लेकर आपका गोरखपुर तक के लिए, और ये जो जिस ट्रेन से मैं अभी जा रहा हूँ ये रिसेंटली इसी साल लॉन्च हुई है अप्रैल 2017 में लॉन्च हुई, शायद यहाँ पे अप्रैल 2017 या 18 में लॉन्च हुई है, और ये ट्रेन जो है ये आपका जो है ये ट्रेन ये पुरानी दिल्ली से कटिहार जंक्शन बिहार की ओर जाएगी, और इस ये जो इसका रूट है दिल्ली कानपुर लखनऊ गोरखपुर देन समस्तीपुर खगड़िया सहरसा होते हुए ये आपका कटिहार जाएगी, और इस ट्रेन का जो एवरेज जो टाइम है कि ये कितना लेट चलती है तो आप 5-6 घंटा इसका लेट मानो कि ये ट्रेन 5-6 घंटा लेट चलती है वीक में, और दिल्ली से इसका टाइम है आपका ट्यूसडे और फ्राइडे, और कटिहार से इसका टाइम है मंडे और आपका मंडे एंड वेडनेसडे इसका टाइम है। तो ये इसकी टाइमिंग्स है, नहीं वेडनेसडे या थर्सडे इसकी टाइमिंग है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ये ट्रेन कब कैसे चलती है, तो आप वहाँ से ज़्यादा सही चेक कर लेना, क्योंकि ये अभी मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ पे भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। और खैर अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये ट्रेन चलेगी, वैसे ये ट्रेन ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुकी है, बस वेट ही कर रहा हूँ मैं। सर्विस ट्रेन की यूज़ करना चाहेगा, जैसे ये ट्रेन है हमसफ़र एक्सप्रेस, तो इसकी ट्रेन की टिकट मुझे ऑलमोस्ट 2400 रुपये की पड़ी है, और ये जो ट्रेन है ये ऑलमोस्ट गरीब रहती है एक तरह से आप मानो, क्योंकि जो इसका जो सीटिंग कैपेसिटी है काफ़ी कंजेस्टेड है, इसके लिए उतने चौड़े नहीं है कि आप एक आराम से सो पाएँ, इसके अंदर कंजेस्टेड सीट्स है, और रेलवे ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा दावा किया था कि ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न ट्रेन है ये हमसफ़र एक्सप्रेस। ठीक है, मॉडर्न ट्रेन तो है, जैसे कि आप ये देखो कि इसके अंदर ये सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं,
इस पूरे ट्रेन के डिब्बे में ऑलमोस्ट 3 से 4 से 5 जो कैमरा लगे हुए हैं, पर लेकिन फ़ायदा क्या उस चीज़ का जब आप 2400 रुपये ले रहे हो किसी कस्टमर से अपने, और उनके बेसिक जो चीज़ होती है उनके लिए वो आराम से कंफर्टेबल जर्नी कर पाए वो भी नहीं दे पा रहे हो। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हमेशा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से ट्रैवल करता हूँ जो कि मेरी फेवरेट ट्रेन भी है, उसके थर्ड एसी के जो कोचेज हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, और जो हमसफ़र एक्सप्रेस के जो कोचेज हैं काफ़ी ज़्यादा नैरो हैं, जिससे कि आई थिंक सोने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। और अगर मैं कंपेयर करूँ नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस और हमसफ़र एक्सप्रेस को, तो मैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को ही पिक करूँगा। हमसफ़र एक्सप्रेस में ये मेरा आई थिंक पहला और आखिरी ट्रैवल होगा। अगर मुझे बाई चांस किसी अदर ट्रेन में टिकट नहीं मिलती तो मैं इसको प्रेफर करूँगा, अदरवाइज मैं इसको प्रेफर कतई नहीं करूँगा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अभी मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि उसमें कम्फर्टेबल है काफ़ी और इसके अकॉर्डिंग, और ट्रेन टाइमली भी चलती है।
कि ऑलमोस्ट सारा अच्छा जा रहा है और होपफुली यही है कि कल की मेरी दिवाली बेकार ना जाए। और हमसफ़र एक्सप्रेस कैसी है आप ये देखिए, ये आपका जैसे आप एंटर करते हैं तो एक आपका ग्लास, देन आपका मुंह धोने के लिए देन रेस्टोरेंट, इधर एक वेस्टर्न टॉयलेट है लगा हुआ और ये आपका इंडियन टॉयलेट हमसफ़र में आपका स्वागत लिखा हुआ है। और ये रेफ्रिजरेटर है और ये आपका हॉट इमेज आपको बारह का घंटे देते हैं और यहाँ पे आप भी ठंडी चीज़ आपको कोल्ड ड्रिंक या जूस जो भी है आप यहाँ पे इसको स्टोर कर सकते, इसका कोई चार्ज नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप इसका अंदर एंटर करते हैं तो ये हमसफ़र एक्सप्रेस के इंटीरियर में आपको दिखा रहा हूँ, ये अपर बर्थ एंड टॉप में वो एलईडी लाइट, देन आपका इधर एक बोतल होल्डर और एक इधर बोतल होल्डर है और ये साइड लोअर बर्थ, और ये साइड लोअर बर्थ में एक आपको ये मिल रहा है एलईडी लाइट, आपको रात में पढ़ने के या कुछ आप काम करते हो तो उसके आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन आपका लोअर बर्थ है, इसमें आप इसको ऐसे इजेक्ट कर सकते हो या आपका ऐसे इजेक्ट होके अलग हो गया, देन सेम आपका इसको उठा के इसको है ज्वाइन करोगे तो रात में साइड लोअर में सोने वाले को आराम हो जाएगा थोड़ा। देन आपका ये आपका साइड का थ्री बर्थ है, ये आपका अपर मिडल और लोअर, और इनमें तीन ऐसी एलईडी लाइट दे रखी है बट ये ख़राब है, मिडल वाली चल रही है और इसको आप एज वेल एज मूव भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग कि आपको जहाँ मूव करना है आप उसको मूव कर सकते हैं। देन आपका एक इमरजेंसी ब्रेक एंड एक और एलईडी लाइट पूरा पूरा बर्थ आपका। अभी तो खैर हर कोई उतर चुका है इस ट्रेन में, इस बोगी में आखिरी ट्रैवलर हम ही है, यही कवरिया उतर जाएंगे। सफ़र का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है क्योंकि रात के 12 से ज़्यादा बज गए हैं और इस समय मैं हूँ उत्तर प्रदेश की शान, नवाबों की पहचान और मेरे चाचू हैं दोस्त उनकी भी पहचान है यहाँ पे, और साथ ही साथ ही मुस्कुराहट की दुकान भी है यहाँ पे और इस जगह का नाम है लखनऊ। तो लखनऊ मैं रात के 12 बजे पहुँचा हूँ, इस ट्रेन का टाइम था 8:40 पे बट ये ऑलरेडी 4 घंटा लेट हो चुकी है, तो देखना मुझे अभी है कि ये मेरे को कल कितने लेट और पहुंचाएगी, तो जब तक लिए आप वेट कीजिए, बाय।
5:30 बज चुके हैं और ट्रेन समस्तीपुर पहुंच चुकी है और ट्रेन अपने टाइम से अभी 5.5 घंटा लेट चल रही है। हम देखते हैं दिवाली क्या, अभी मेरा जो स्टॉपेज है वो अगला स्टॉपेज है मेरा, तो अगर सही तरह से चले तो 7:30 तक मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, और नहीं तो जैसे भी ट्रेन चल रही है तो अभी मैं कुछ ऐसा कह नहीं पाऊंगा कि ये ट्रेन मुझे कब तक पहुंचाएगी, बट इतना मैंने डिसाइड ज़रूर कर लिया कि ये इस ट्रेन में मेरा पहला और आखिरी ट्रैवल है, इसके बाद मैं इस ट्रेन में कभी ट्रैवल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस ट्रेन का जो फेयर है राजधानी से ज़्यादा है और साथ ही साथ इसमें ना आपको फूड मिलता है और ना इसकी टाइमिंग है, तो ये जो ट्रेन है फुल ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी है। तो अगर आप इन फ्यूचर कभी सोचते हो कि इस ट्रेन में आप ट्रैवल करने का प्लान बनाते हो तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि इस ट्रेन में आप एक बार ट्रैवल करो, क्योंकि पैसा भी ज़्यादा लगेगा, ना खाना मिलेगा, और साथ ही साथ खाना छोड़ दो आपको ट्रेन टाइम पे भी नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि ये प्रीमियम ट्रेन है और ऑलमोस्ट 6 घंटा लेट चल रही है, और 6 घंटा प्रीमियम ट्रेन के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग चाहे 12 घंटा लेट लेके चलो, वो आपकी चॉइस है, बट मैं एज अ ट्रैवलर और एज अ कंज्यूमर 6 घंटा लेट अगर कोई ट्रेन चलती है प्रीमियम सेगमेंट की तो मैं उसको किसी को भी रेकमेंड नहीं कर सकता। बाकी आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इंडियन रेलवे को ये चीज़ सोचनी चाहिए या नहीं कि प्रीमियम ट्रेन जो वो कहती है उनकी टाइमिंग्स के रिगार्डिंग उसको थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि एटलीस्ट इन ट्रेनों को तो लेट ना करें जिनसे वो बहुत मोटा पैसा वसूल रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का 3rd AC का किराया 1400 रुपये है और हम सफ़र एक्सप्रेस का जो किराया है वो 2400 रुपये है, तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये का डिफरेंस है। तो 1000 रुपये में आपको 6 घंटा ट्रेन लेट पहुँचाती है और टाइमिंग भी इसकी काफ़ी डिफरेंट है, जबकि नॉर्थ ईस्ट अगर लेट भी पहुँचाती है तो उसका एवरेज लेट टाइम है 3 से 4 घंटा और इसका एवरेज लेट टाइम है 5 से 6 घंटा, तो इतना डिफरेंस आपको मिलेगा और 1000 रुपये भी आपके एक्स्ट्रा जाएंगे, क्योंकि डायनेमिक फेयर सिस्टम है और उसका बेस प्राइस ही 1800 से स्टार्ट है, तो चॉइस आपको करना है। बाकी मेरा स्टेशन अगला है और मैं खगड़िया पहुँच के आप लोग एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि कैसा रहा, और देन एक फाइनल रिव्यू रहेगा मेरा कि आप लोगों को इस ट्रेन में ट्रैवल करना ना करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी मैं तो आपको मना ही करूँगा इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। थैंक यू, और अभी जुड़े हैं ना ब्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ। फाइनली 5 घंटा लेट ट्रेन चली है और अभी 6:30 बजे मैं अपने स्टेशन खगड़िया उतर गया और अब यहाँ से मैं अपने घर जाऊँगा जहाँ से मुझे हार्डली 15 मिनट लगेगा और ये ट्रेन भी चल पड़ी है साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए आपको मेरा फेस ऐसा नहीं दिख रहा होगा। बाकी ये ट्रेन जा रही है